नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम बात करेंगे स्कूलों में लागू होने वाले नए नियम की। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के एक बयान से स्कूलों में शिक्षकों में खलबली मच गई है। अब आने वाले दिनों में स्कूलों में शिक्षकों के मोबाइल पर बैन लगाने की तैयारी चल रही है। आज का एजेंडा में इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी से, हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। शिक्षा मंत्री जी, एवन टीवी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शिक्षा मंत्री जी, एक नया आदेश आपकी तरफ से, या यूं कहें कि एक बयान आपका आया है, क्या तैयारी है, मोबाइलों पर बैन लगाने की क्या जरूरत पड़ गई स्कूलों में, क्या शिकायतें मिल रही थी इस प्रकार की जिसकी वजह से इस प्रकार का कदम उठाना पड़ रहा है? देखो, हमारे शिक्षा विभाग में अधिकांश हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो मोबाइल पर हमें हमेशा जुटे रहते हैं और इसके कारण से बच्चों की पढ़ाई सफर करती थी और फिर ध्यान भी इधर उधर होता है अध्यापक का, तो ठीक तरह से कई बार पढ़ा नहीं पाते और इसके कारण से सभी अध्यापकों की बदनामी होती कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती और वो सब टीचर्स मोबाइल पर लगे रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे अध्यापक बहुत अच्छी तरह पढ़ाई कराते हैं। इसलिए अध्यापकों के सम्मान के लिए और अध्यापकों का सम्मान जनता भी बना रहे और बच्चों की अच्छी भी पढ़ाई होती रहे, इसलिए हम ऐसा विचार कर रहे हैं कि मोबाइल क्लास में नहीं ले जाए, स्कूल में ले जाए तो प्रिंसिपल की रैक में रख दें और वहां जब कभी कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई बात हो जाए, परिवार से कोई फोन आए या कोई सूचना देनी हो तो प्रिंसिपल को दे, प्रिंसिपल संबंधित अध्यापक को सूचना दे दे। तो इस प्रकार से यह है ताकि अच्छा वातावरण विद्यालय में रहेगा। मंत्री जी, यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है शिक्षा जगत में, सबसे बड़े अगर कर्मचारी हैं तो शिक्षक हैं और ये शिक्षक तबका अगर किसी आदेश का अगर पालन नहीं करता है तो किस प्रकार का एक्शन लिया जाएगा मंत्रालय की ओर से, क्या गाइडलाइन जारी की जाएगी? देखो, अभी तक तो शिक्षक मैंने कहा ना बहुत सम्मानित है और ये सरकार का आदेश का पालना करते ही है। अभी तक मुझे नहीं लगा कि सरकार के आदेश की पालना नहीं की हो, सरकार के आदेश की पालना करते हैं और करेंगे, क्योंकि हमारे शिक्षक छात्रों के हित के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं और इसीलिए तो आपने देखा होगा जितने भी शिक्षक हैं उन्होंने तो पढ़ाया है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी को पढ़ाया हो, चाहे वो राष्ट्रपति जी को पढ़ाया हो, चाहे गृह मंत्री जी को पढ़ाया हो, चाहे रक्षा मंत्री जी को पढ़ाया, चाहे हमको पढ़ाया हो, यही शिक्षक है जिन्होंने महान लोगों को भी पढ़ाया है। तो शिक्षक बहुत ही सम्मान्य है और इनकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितना सम्मान किया जाए वो कम है। हाँ, कुछ अध्यापक के बारे में कहा, कुछ अध्यापक थोड़ा सा ध्यान नहीं देते और इसलिए ही सबकी बदनामी ना हो, इसलिए हमने सोचा कि मोबाइल स्कूल में न ले जाएं ताकि इनका अध्यापकों का बच्चों का ध्यान भटके नहीं। बिल्कुल, इसके अलावा शिक्षक संगठन बहुत सारे हैं जिसमें शिक्षक नेता हैं, क्या किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली है आपके बयान के बाद में? शिक्षक नेताओं की कोई नाराजगी देखने को मिली है या सहर्ष इस बात को स्वीकार कर लिया गया है? मेरे पास अभी किसी भी शिक्षक का फोन नहीं आया है जी, और न किसी भी शिक्षक से मेरी बात हुई कि ये ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, अंत में एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा, शेयर मार्केट को लेकर आपने बयान दिया था, क्या इस प्रकार की शिकायतें आई हैं आपके पास में कि शेयर मार्केट की वहां पर ट्रेडिंग की जा रही थी, स्कूल में बैठकर के जो शिक्षक हैं वो शिक्षा के काम में नहीं लग करके और ट्रेडिंग? मैंने पहले ही कहा कि अधिकांश शिक्षक हमारे बहुत अच्छे हैं जी और उसी कारण से आज जो देश चल रहा है, क्योंकि देश चलाने वालों को भी इन्हीं शिक्षकों ने पढ़ाया है। अब कुछ है जो कुछ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता जी। जी जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, जिन्होंने अपनी बात रखी, अपना विजन रखा कि शिक्षा विभाग में किस प्रकार से वो चाहते हैं कि शिक्षकों के मोबाइल स्कूल में लेके आए लेकिन प्रिंसिपल की ड्रॉअर में वो बंद रहेंगे, जब तक शिक्षण कार्य चलता रहेगा तब तक शिक्षक मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आज का एजेंडा में इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता श्याम झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और कांग्रेस से प्रवक्ता रवि कुमार सिकदार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सवाल करूंगा रवि कुमार सिकदार जी, जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री का नया आदेश आया है और स्कूलों में एक नया आदेश लागू किया जा रहा है कि
अब शिक्षक मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्या इत्तेफाक रखते हैं इस आदेश को लेकर के, इस नवाचार को लेकर के? देखिए आशीष जी, जैसा आदेश अभी शिक्षा मंत्री जी ने जारी किया है और अभी फोन कॉल के माध्यम से मैंने उनका वक्तव्य भी सुना, तो आप देखिए कि उन्होंने मास्टर जो एक माँ के स्तर से बढ़कर स्तर मास्टर का हमने रखा हुआ है, उसको दो भागों में बांटा हुआ है कि एक तो अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरे लापरवाहियां बरत रहे हैं। तो मैं यहां पर यही स्पष्ट हो रहा है कि जो आदमी लापरवाही बरत रहा है तो उस पर तो किसी प्रकार के इस आदेश का कोई फर्क पड़ना नहीं है और इन आदेशों से कोई मतलब भी नहीं है। अगर जो लापरवाही बरतते हुए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो उसको मोबाइल से दूर नहीं, उसको इस प्रणाली से ही दूर कर देना चाहिए, क्योंकि लापरवाही का कोई स्थान नहीं है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए किसी का कोई हक और अधिकार नहीं है। यही तो बात रही मोबाइल के आदेश की। बात करता हूं मैं, ये आदेश आ क्यों रहा है? आप देखिए कि प्रदेश में जो महात्मा गांधी विद्यालय हैं उनको कहीं ना कहीं बंद करने की सुखबुगाहट मुख्यालयों में और मंत्रालय में चलने लगी है, और वो सुखबुगाहट आम लोगों तक पहुंच रही है, आम लोगों तक पहुंच रही है, उसका विरोध हो रहा है उसके ऊपर। वो आशीष जी, मुद्दा अलग हो जाएगा आशीष जी, आज का जो आज का एजेंडा है सिर्फ मोबाइल कर रहा हूं, सिर्फ मोबाइल पे बात, मैं वही स्पष्ट कर रहा हूं कि इसकी जड़ क्या है। मैं इसकी जड़ पे बात कर रहा हूं कि जो ये बात आज मोबाइल को बंद करने की कर रहे हैं, ये दरअसल इतना बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि अगर लापरवाही है तो आप उसको सीधा निरस्त कर दीजिए, उसको बर्खास्त कर दीजिए। लेकिन ये जो महात्मा गांधी विद्यालयों को बंद करने की एक सुखबुगाहट मंत्रालयों में शुरू हुई है, जिसका असर आम आदमी को दिख रहा है, तो ये उसका ध्यान भटकाने के लिए, इसका ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बातें की जा रही है, और आप देख लीजिएगा। लेकिन कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लेकिन क्या मोबाइल को बैन करने को लेकर के आप सहमत है? देखिए आशीष जी, शिक्षक एक सम्मानित पद है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमें उसको इस प्रकार के शक के दायरे में या उस पर किसी प्रकार का जबरदस्ती कोई चीज थोप कर काम करें तो ये मुझे नहीं लगता कि एकदम उचित होगा। तो आपके कहने के अनुसार ये थोपा जा रहा है उनके ऊपर? बिल्कुल थोपा जा रहा श्याम है। श्याम जी देखिए आशीष जी, जिस प्रकार से माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि जो क्लास का जो टाइम होता है, जो क्लासरूम के अंदर जब आपका पढ़ाने का समय, उस समय अगर आप मोबाइल को अपने से दूर रखते हैं तो अच्छा है, शिक्षक का भी ध्यान अच्छे से रहेगा और अच्छे से पढ़ा पाएंगे और बच्चों को उसका फायदा मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता इस विषय को लेकर के इतना कोई बहुत बड़ा तूल देने का विषय है, बल्कि नवाचार से बच्चों को भी लाभ होगा और शिक्षकों को भी अच्छा महसूस होगा, क्योंकि वो जिस काम के लिए जा रहे हैं, पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो उस पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे, ध्यान दे पाएंगे। और रही बात शिक्षकों के लिए सम्मान की जो बात करते हैं, हमने देखा है कांग्रेस सरकार में एक शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम में अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी खुद पूछते थे उस समय कि क्या आपको रिश्वत देनी पड़ती है, और सबने एक सुर में ये कहा कि हाँ, तो आप और हाँ कहने के बाद भी पेश कर सकता हूँ कई जब से ये शिक्षकों का सम्मान है, तीन महीने में ये शिक्षकों का सम्मान है इनकी नजर में, और ये बात करते हैं सम्मान की, किस प्रकार से सम्मान, देखिए सम्मान अपनी जगह सब, लेकिन जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं कि आपको पढ़ाने जाने पढ़ाने में और उसको पढ़ाने में क्या करना चाहिए, उनको और अच्छे से एजुकेशन का स्तर अच्छा हो पाए, साथ क्या करना है, इसके लिए नवाचार अच्छा है, तो उनको इन प्रकार स्वागत करता हूँ, थोपने वाली चीजों की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक बहुत सम्मानित लोग हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है। तो मोबाइल से क्या अपमान हो जा रहा है? कैसी बात कर रहे हो रवि जी आप? श्याम जी मैं फिर आपसे ये पूछ रहा हूँ, मोबाइल रखने से अगर और अपमान का है क्या, और उनका रखने से क्या आपत्ति है? आपके अभी मंत्री जी ने सीधा सीधा वक्तव्य से स्पष्ट हुआ, बिल्कुल उन्होंने कहा क्लासरूम में कुछ लोग ऐसे हैं, क्लासरूम में अगर मोबाइल ना ले जाए तो उसमें कहां सम्मान और अपमान की बात आ गई, क्या बात कर रहे हो? लोग अगर ऐसे हैं तो आप उनको बर्खास्त कर दीजिए। आशीष जी क्या बात कर रहे हैं, बर्खास्त कर दीजिए, इस प्रकार की दोहरी बातें तो होनी नहीं, क्योंकि वो लोग तो सुधरने वाले हैं नहीं, और अगर जिनसे हमें आपत्ति है, जिन शिकायतें हमें आ रही है, आपके वक्तव्य जो मंत्री जी का वक्तव्य था कि कुछ लोग लापरवाहियां बरतते हैं, उनको बर्खास्त कीजिए ना आप, उनको इस मोबाइल इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात यहाँ पर मंत्री जी कर रहे हैं, और आप देखिए सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट का परिणाम है ये, आज आचार संहिता लगी हुई है, बौखलाहट आचार संहिता लगी हुई है, आपकी उसमें सरकार के आदेश जारी होते हैं, आपकी सरकार चलेगी, बौखलाहट भी आदेश जारी करने का समय है, वो आपके खिलाफ बयान दे रहे हैं। अगर आप नवाचार की बात करें श्याम जी, आपके जो मुख्यमंत्री की जो ओएसडी है वो मुख्यमंत्री जी के लिए बयान दे रहे हैं, ये मामला है बौखलाहट का, भविष्य का मामला है, आपने कहा नवाचार, आप मुझे उठाकर बता दीजिए बच्चों के भविष्य के लिए ही, रवि जी समझिए ये बच्चों के भविष्य के लिए ही है, ये भी नवाचार जो बच्चों के भविष्य के लिए, ताकि वो ठीक से पढ़ा पाए, नवाचार है ये, उस प्रकार से पढ़ा पाएंगे जिस प्रकार से क्लास में गए और शिक्षा का जो समय है, क्लास का जो समय है, पूरी तरह से फोकस कर पाए, क्या बोला था कि हम ये बढ़ा रहे हैं, भविष्य अच्छा होगा, एक एक करके अपनी बात रखे श्याम जी और रवि जी, आशीष जी बिल्कुल बिल्कुल जी, मान लेते हैं मोबाइल को बैन करने की प्लानिंग आप कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये कि इसको आदेश की पालना कराना सबसे बड़ा टास्क होगा, कैसे इसकी मॉनिटरिंग होगी और फिर
देखा जाएगा कि शिकायतें किस आधार पे होगी, क्योंकि आम पब्लिक जा नहीं पाएगी, स्टूडेंट वहां पर रहेंगे, अब जो विद्यार्थी है वो विद्यार्थी किस प्रकार से शिकायत कर पाएंगे, कैसे उसकी मॉनिटरिंग होगी, क्या एक्शन होगा, ये भी एक प्लानिंग बतानी पड़ेगी, कैसे क्या ये हो पाएगा या फिर ये केवल कागजी आदेश रहकर दफ्तर दाखिल हो जाएगा। देखिए आशीष जी, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं माननीय मदन जी, वो बहुत ही अनुभवी आदमी हैं, उन्होंने अगर कोई बात की है, कोई प्लानिंग की है, तो उसका पूरा का पूरा खाका तैयार किया होगा कि कैसे मॉनिटरिंग की जाएगी। हो सकता है कि उसके सीसीटीवी कैमरे लगे क्लासरूम्स में, और तमाम चीज़ें हैं जिस प्रकार से मॉनिटरिंग की जा सकती है, उसका उन्होंने पूरा व्यूहरचना बनाई होगी। और निश्चित अगर उन्होंने कुछ तय कर लिया है तो वो कहीं ना कहीं पूरा मूर्त रूप लेकर के उसको सफल करेंगे। बिल्कुल, लेकिन अगर देखा जाए कि स्कूलों की जो हालत है वो ये है कि अभी बहुत सारे स्कूलों में भवन जर्जर पड़े हैं, बिजली के कनेक्शन वहाँ पर नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, कहीं पर दरी पट्टी तक की भी कमी है, तो ऐसे में सीसीटीवी लगाने की अगर बात करते हैं तो कितना अतिरिक्त बजट चाहिए होगा, और सब स्कूलों को उनको कनेक्ट करना, उनका डेटा स्टोरेज करना, आए दिन स्कूलों में चोरी की घटनाएं हो रही है, वहाँ कंप्यूटर लैब सुरक्षित नहीं है, वहाँ पे कंप्यूटर चोरी हो रहे हैं, ऐसे में इस प्रकार से केवल एक मोबाइल की मॉनिटरिंग के लिए एक आदेश को पालना कराने के लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, वो करना, तो ये क्या कहां तक आपको लगता है कि ये हो पाएगा, मुमकिन हो पाएगा? देखिए आशीष जी, जैसा अभी आपने कहा स्कूल के में कंप्यूटर सुरक्षित नहीं है, लैब सुरक्षित नहीं है, तो अगर सीसीटीवी कैमरे होंगे तो कहीं ना कहीं उन चीजों पे भी लगाम लगेगी, उसका फायदा मिलेगा, जो चोरियां हो रही है वो भी रुकेगी। लेकिन बिजली कटौती होगी, उसमें मॉनिटरिंग कैसे होगी, फिर इन्वर्टर लगाना पड़ेगा वहां पे बैटरी? बिल्कुल, देखिए बिजली कटौती की जो बात कर रहे हैं वो समय गया, अब डबल इंजन की सरकार है, बिजली बराबर आया करेगी और इन्वर्टर की आवश्यकता होगी तो वो भी लगेगा, और कहीं ना कहीं इन चीजों से आगे ये जो हमें अपग्रेड होने की आवश्यकता है, उसी से पता चल रहा है कि आपको मौका मिलेगा। श्याम जी को बोलने दीजिए, श्याम जी। देखिए हमें कहीं ना कहीं अपग्रेड होना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए हमें सारी चीजों को करना चाहिए, डबल इंजन की सरकार है, बजट की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और जो भी आवश्यकता होगी सारी पूर्ति की जाएगी, उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है फंड वगैरह की। बिल्कुल अपग्रेड हो रहे हैं, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि अपग्रेड करने के साथ साथ स्कूलों में प्रोजेक्टर उपलब्ध करवाए गए हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से डिजिटल भी बच्चों को एजुकेशन देने की तैयारी की जा रही है, वीडियो क्लिप्स ऐसे मोटिवेशनल वीडियो क्लिप वगैरह है वो उनको दिखाने की प्लानिंग की जा रही है, तो शिक्षक एक आप दुरुपयोग मान करके मोबाइल को दूर करवा रहे हैं वो मान लेते हैं, लेकिन सदुपयोग भी तो हो सकता है, शिक्षक अपने इस मोबाइल का उपयोग करके कुछ डेटा ऐसा एनालाइज करके और विद्यार्थियों को परोस सकता है, तो वहां पर अगर प्रोजेक्टर पर उसको कुछ दिखाना है, इंटरनेट से कनेक्टिविटी करनी है, लैपटॉप का यूज करना पड़ेगा, तो ऐसे में अगर आप अपग्रेड होने की बात करते हैं तो फिर डिग्रेड क्यों कर रहे हैं? देखिए आशीष जी, इसमें दो चीजें हैं, बात यह आई है कि जो क्लासरूम का जो समय है जिस समय उन्हें पढ़ाना है उस समय मोबाइल का उपयोग ना करें, ऐसा नहीं है कि स्कूल में घुसे और मोबाइल उनको नहीं रखना, वो अपने समय समय पे जो लंच ब्रेक होता है या जब उनका पीरियड फ्री होता है तो वो अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी जो आप प्रोजेक्टर बता रहे हैं, प्रोजेक्टर के लिए कंप्यूटर वगैरह सारी सुविधा है, इंटरनेट है, सब कुछ है स्कूलों में, स्मार्ट क्लासरूम के लिए केंद्र से बहुत बजट आया था, उसमें थोड़ा बहुत तो खर्च भी किया, गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल में, बाकी जो घपले हुए किए उन्होंने उसके लिए मैं मना भी नहीं कर रहा, लेकिन दोबारा से उसको रिस्ट्रक्चर करके और सारी चीजें की जाएगी। विद्यालय कर्मोन्नत हो रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बन रहे हैं और आप कह रहे हैं कि घपले, किस प्रकार का दोहरे चरित्र का प्रमाण आप यहाँ पर देख रहे हैं? देखिए भैया, जो घोटाले हुए हैं पब्लिक के सामने, आप लोगों के जिस प्रकार से पीएचईडी में सीबीआई में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिस प्रकार से आपके समय में घोटाले और ये जिस प्रकार से ट्रांसफर का आपने जो घोटाले किए, ट्रांसफर का उद्योग चलाया, शिक्षकों से आपने रिश्वत लेकर के ट्रांसफर की, हर डिपार्टमेंट में आपके लिए भ्रष्टाचार फैलाया, हर डिपार्टमेंट में आपके जिस प्रकार से ट्रांसफर के लिए आपने रिश्वत ले लेकर के, ये देखिए ये आपको बोलने का तो कतई अधिकार नहीं है, नीति इन सरकार थी आपकी और आज आप देखिए ठीक हो रही है, तो आपके दर्द हो रहा है। आज क्या बोला कि आज का मुद्दा बड़ा संवेदनशील है, आपको इसमें विपक्ष को साथ लेकर चलना चाहिए, विपक्ष से मिले हुए सुझावों को उसमें अप्लाई करना चाहिए, जिस तरीके से आपका आज का फैसला आया है। मैं आशीष जी आपसे पूछ लेता हूं, क्या आज ये इतना आसान होगा जो इनका फैसला आया है, इस पर निगरानी रखना इतना आसान होगा? और आज हम जहां डिजिटल भारत की बात इनके मोदी जी करते हैं, क्या ये डिजिटल भारत का एक सपना है जहां पर कुछ लोगों की गलती की वजह से आप पूरे सिस्टम को
गड़बड़ा रहे हैं, पूरा सिस्टम एक तरीके से खलबली मचाए हुए। रवि जी एक बात बताइए, मैंने फिर आपसे कहा मोबाइल की क्या आवश्यकता है वो बताइए। अभी आशीष जी आपको बता रहे थे, मेरी तो बताने की आवश्यकता। चर्चा का दौर लगातार जारी रहेगा मेरे पास में, बिल्कुल। श्याम जी रवि जी आपको रोकना चाहूंगा, मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेशाध्यक्ष रमेश पुष्करणा जी, फोन लाइन पर है। रमेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी, नया एक आदेश निकलने वाला है, शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिया है कि स्कूलों में शिक्षक शेयर मार्केट देखते हैं, वहां पर मोबाइलों का दुरुपयोग हो रहा है, ना जाने क्या क्या मोबाइलों में हो रहा है, उसको रोकने के लिए शिक्षकों के मोबाइल अब जमा कर लिए जाएंगे, कितने सहमत है आप? शेयर मार्केट के शिक्षक ऐसे काम करते होंगे, कोई इक्का दुक्का ध्यान में होगा, हमारी ध्यान में इस प्रकार का कोई भी नहीं है। इसके अलावा जहां तक जो राजकीय काम है सारे ऑनलाइन है, और ऑनलाइन डाटा रोज ही SMS करना, पोशाक का SMS करना, और ऑनलाइन के सारे काम इसी से करते हैं, मोबाइल से ही करते हैं। लेकिन फिर भी सरकार को यदि उपयुक्त लगता है कि ये इसका मिसयूज हो रहा है, तो हम तो वैसे भी चाहते हैं गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त कर दो, ये वैसे भी मोबाइल वहां हमारे विद्यालय में कोई काम नहीं आएगा वैसे भी। और इन्होंने कहा प्रधानाचार्य के कक्ष में जमा करा दें, तो हम वहां प्रधानाचार्य के कक्ष में जमा करा देंगे, क्योंकि हमारे कोई व्यक्तिगत तो वहां बात करनी है नहीं, हमारे जो सारा काम करना है वो शिक्षा विभाग का काम करने के लिए हमारा व्यक्तिगत मोबाइल यूज हो रहा है, जबकि सरकार को मोबाइल देना चाहिए। और ये डिजिटल का जमाना है, और सारे विभागों को इन्होंने मोबाइल उपलब्ध कराए, और केवल शिक्षा विभाग को मोबाइल उपलब्ध नहीं कराया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तक को इन्होंने मोबाइल दे दिया, और हमको मोबाइल नहीं देने के बाद भी ये डेटा हमसे ले रहे हैं। तो इसमें मेरा कहना है कि यदि मोबाइल यदि सरकार चाहती है कि मोबाइल यूज नहीं हो तो हमको तो इसका स्वागत योग्य कदम है, बिल्कुल। लेकिन जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि मोबाइल देना चाहिए, मंत्री जी कह रहे हैं कि मोबाइल को ले जाना नहीं चाहिए, वहां पे विरोधाभास तो यही हो गया। नहीं नहीं, यदि सरकार का काम कराना चाहती है तो उसके उसके मोबाइल से क्यों करे, वो सरकार का सरकार के मोबाइल से करेंगे, और हमारे व्यक्तिगत मोबाइल से कोई भी काम हम वहां नहीं करेंगे। और प्रिंसिपल को यदि उन्होंने कहा ले जाकर जमा करा देंगे, तो इस मांग से हम सहमत हैं, देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो काम यदि सरकार का पेंडिंग रहेगा तो सरकार अपने जो अगले आगे आगे कदम सोचेगी, क्या करूं उसके लिए सरकार सोचेगी, और सरकार कह देगी कि वापस रखना तो फिर रख देंगे, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जो उनका बयान आया था, वो कह रहे थे कि टीचर जो है शेयर मार्केट देखने में व्यस्त हो जाते हैं, फोन एक बड़ी बीमारी है और इस बीमारी को दूर करना पड़ेगा, इसके लिए ये कदम उठाया जा रहा है, बच्चों की पढ़ाई किल हो रही है। नहीं नहीं, हम पढ़ाई के लिए ये ठीक है, पढ़ाई में व्यवधान पैदा करता है, और उसके कारण यदि लगता है तो नहीं रखना चाहिए तो नहीं रखना चाहिए, ये बात ठीक है। लेकिन वो शेयर मार्केट करता है या दूसरा कोई काम करता है, उनके पास तथ्य होंगे, उस तथ्य के आधार पर उन्होंने कहा होगा। लेकिन मैं इसका खंडन करता हूँ, सब शिक्षक शेयर मार्केट करते होंगे, ये गलत चीज है, ठीक है। इसके अलावा एक और उनका बयान था, पूजा पाठ और नमाज आदि के लिए स्कूल छोड़कर टीचर जा रहे हैं, उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। हाँ, इससे ये जो पूजा पाठ का जो विषय है ये एक व्यक्तिगत विषय है, ये कोई सरकार में काम करते हुए जाना ठीक नहीं है। और राजस्थान शिक्षण राष्ट्रीय इस बात से सहमत है कि कोई भी भैरव जी की पूजा करनी हो, कहीं हनुमान जी का पाठ करना हो या नमाज पढ़नी हो, वो विद्यालय समय में नहीं जाएगा, और जिसको जाना है वो छुट्टी लेकर के जाए, इससे राजस्थान शिक्षण राष्ट्रीय का स्पष्ट मत है, बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए रमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रमेश पुष्करणा जी, प्रदेशाध्यक्ष शिक्षक संघ राष्ट्रीय के, जिन्होंने कहा कि पूजा पाठ करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए यदि कोई शिक्षक स्कूल समय से जाता है तो वो गलत है, ये भी सहमत है। लेकिन मोबाइल की बात को लेकर के इन्होंने कहा है कि गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को लगाया हुआ है और उन्हीं को संपादित करने के लिए मोबाइल यूज करने पड़ रहे हैं। श्याम जी क्या कहेंगे आप, उनसे शिक्षा के अलावा काम करवा रहे हैं, गैर शैक्षणिक कार्य करवा रहे हैं, पल पल की अपडेट मांग रहे हैं, टाइम टू टाइम उनको अपडेट देना है, वो सारे काम बिना मोबाइल कैसे संपादित कर पाएंगे, क्या व्यवस्था होगी? देखिए आशीष जी, ये जो दोनों चीजें हैं, मुझे कहीं नहीं लगता कि दोनों चीजों में कहीं विरोधाभास है। उन्होंने भी कहा, जैसा मैंने अभी सुना, कि जिस प्रकार से जो क्लासरूम का जो समय है
उस समय में उपयोग नहीं करना चाहिए, गलत है वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। और उसके बाद अरे चुप रहिए रवि जी, जिस प्रकार और दूसरी चीज भी फोन से लग रही है, अरे भैया कहीं प्रेजेंट फोन से नहीं लग रही, और जो डेटा जो भेजा जाता है वो क्लासरूम के बाद भी भेजा जा सकता है, और ये आंगनबाड़ी और वो जो भेजा जा सकता है जब पढ़ाई का समय होता है उस समय केवल पढ़ाई का काम हो, ये वो विषय को घुमाने से कोई मतलब नहीं है रवि जी। बहस करने का और चिल्लाने का तो कोई महत्व है नहीं आज सारा। अरे भैया तो माध्यम से कुतर्क करके भी क्या होगा, आप कुतर्क क्यों कर रहे हैं, आप सुनिए स्पष्ट, क्लासरूम का जो समय है उन्होंने स्पष्ट कहा कि क्लासरूम के समय में मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, और कुछ एक शिक्षकों का उन्होंने भी माना है, उन पर कार्रवाइयां कीजिए। आप तो राजकीय कार्य में बाधा बनाने के लिए उतारू हो चुके हैं, आपको इतना होश नहीं है कि एक निर्णय पूरे प्रदेश की किस दिशा की ओर ले जा सकता है, पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। आप हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती में पक्ष रखना है, कुछ बातें नैतिकता के अनुरूप अपने आप खुद विचार कीजिए, चिंता मत करिए, विचार कीजिए, चिंता मत करिए, सिस्टम से बाहर हैं आप, किस तरीके से बात हो डिजिटल भारत की बात करते हैं, आप बाहर हो सिस्टम से, आपको सिस्टम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सिस्टम से बाहर करने वाले हमारे पास विपक्ष की भूमिका है, और विपक्ष की भूमिका को पूरी ईमानदारी और कठोरता के साथ निभाएंगे। आपके थोपे हुए हर काम को जबरदस्ती लागू नहीं होने देंगे। शिक्षक एक सम्मानित पद है, शिक्षक एक सम्मानित पद है, उसकी इस प्रकार के आपके आदेश थोपे नहीं दिए जाएंगे। बात आपकी बात आई, मैंने खुद ने कहा रवि जी, ठीक है उसको आप बर्खास्त कर दीजिए, बिल्कुल रवि जी, सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, और वो भी आप कब, जब आपने नवाचार की बात की, आशीष जी मैं पूरे बात कंप्लीट करूंगा, इन्होंने नवाचार की बात की, आप मुझे डाटा दे दीजिए मीडिया के माध्यम से, डाटा सार्वजनिक कर दीजिए कि पिछले 4 महीने में इन्होंने नवाचार का कौन सा काम कर दिया, बोखलाट के अंदर जबरदस्ती के आप थोप रहे हैं, कौन सा नैतिकता के काम कर रहे हैं आप बता दीजिए मुझे, दीजिए श्याम जी आप जवाब मेरे को कि नवाचार का क्या किया आपने, नवाचार हम जो कर रहे हैं वो जनता देख रही है, आपको बता दीजिए ना, पब्लिक सुन रही है आपको, मोबाइल बंद करा रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं ना, स्कूल से नहीं जाने देंगे किसी को, पूजा पाठ के लिए नहीं जाने देंगे, बिल्कुल नमाज भी नहीं जाने, जब शिक्षा बंद करने श्याम जी मोबाइल बैन कर रहे हैं, अगर इमरजेंसी होगी किसी के घर पे कोई इमरजेंसी हो गई, सूचना देनी होगी, उसकी क्या व्यवस्था होगी, अगर मोबाइल आप रख लेंगे, अगर किसी के घर में कोई अनहोनी हो गई, वो वहां पे घर वाले संपर्क करना चाह रहे होंगे, वो पहुंच नहीं पाएंगे, जब छुट्टी होगी तब जाकर के इमरजेंसी लीव नहीं ले पाएंगे, कैसे मैसेज करेंगे, क्या व्यवस्था, हंसने योग्य व्यक्ति भी आएगा इनका, देखिए हंसने के योग्य बताइए आशीष जी, आज मुझे ये बताइए कि जब मोबाइल नहीं थे तब भी स्कूल में टेलीफोन होता था, इमरजेंसी होती थी, और भारत की बात तुरंत, कर रहे हैं ना, तुरंत प्यून जाकर के क्लास में जाकर के सूचना देता था, श्याम जी से श्याम जी तुरंत क्लास में जाकर के सूचना देता था प्यून, और प्यून की सूचना मिलते ही तुरंत शिक्षक को जो भी कोई इमरजेंसी है अपनी इमरजेंसी के हिसाब से कार्रवाई करता था। तो जिस समय आप एक देखिए जब क्लासरूम का जो समय होता है, जो भी 35-40 मिनट का समय होता है, उसके बाद मूवमेंट जब होता है तब अपना मोबाइल भी देख सकते हैं, तो उसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि आप स्कूल में घुसे मोबाइल जमा हुआ छुट्टी होगी तभी मिलेगा, ऐसा कहीं किसी ने नहीं कहा, तो आप इसको कहीं घुमाने की कोशिश मत करो रवि जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ध्यान भटकाने का, अगर व्यवस्था देख ली जाएगी, मान लेते हैं कि एक प्रिंसिपल होगा, हेडमास्टर होगा, जिसके पास में मोबाइल जमा करा दिए जाएंगे, लेकिन व्यवस्थाएं ऐसी है आज प्रदेश के स्कूलों की हालत ऐसी है, अगर 8 कक्षाएं हैं, मास्टर 4 है, वहां पर 4 लोग वहां शिक्षण व्यवस्था को संभाल रहे हैं, एक अगर लीव पे चला गया, 3 लोग अगर 8 कक्षाओं को संभालेंगे, तो प्रधानाचार्य जो खुद शिक्षण कार्य में बिजी है, जो वहां पे वो जमा करेगा, कैसे व्यवस्था बैठेगी? आशीष जी जहां पे शिक्षण कार्य में जो व्यस्त हैं, उसके अलावा बाबू भी होते हैं, फीस जमा करने का भी काम होता है, प्यून भी होता है, हर स्कूल में नहीं होते ना, हर स्कूल में प्यून भी होता है, हर स्कूल में नहीं है, हर स्कूल में नहीं है, आज आप पूरे देश के स्कूलों को देखो, मिडिल स्कूलों को देखो आप, प्राइमरी स्कूलों को देखो आप, वहां पर आपको चपरासी नहीं मिलेंगे, फोर्थ क्लास कर्मचारी नहीं है, बहुत सारे स्कूलों में वैकेंट है, बाबू आपको नहीं मिलेंगे, नोडल केंद्र उन पे मिलते हैं, जहां पर सैलरी बनती है वहां पे मिलते हैं, बाबुओं के बहुत सारे पद खाली पड़े जी, बिल्कुल, अगर पद खाली पड़े तो भरे जाएंगे, और बाकी जो लैंडलाइन फोन सभी स्कूलों में है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बाकी रही बात प्रिंसिपल के लिए तो क्योंकि इस तरह का वो आया नहीं है, प्रिंसिपल का भी नंबर सभी जगह होता है, तो अगर इस तरह की व्यवस्था है प्रिंसिपल के पास फोन आ जाएगा, प्रिंसिपल अपने आप सूचना करेगा, तो बेसिक फोन लगाने पड़ेंगे सभी स्कूलों में, बेसिक फोन लगाने पड़ेंगे आपको, जनरल एक कॉल के लिए सभी के लिए एक नंबर आवंटित करना होगा। 30-30 सेकंड में आपकी क्लोजिंग स्पीच में चाहता हूं उस मुद्दे पर
स्कूलों में मोबाइल बैन करने की तैयारी है। रवि जी 30 सेकंड में अपनी बात रखें, फिर श्याम जी 30 सेकंड में अपनी बात रखें। जी आशीष जी, जो इनका ये फैसला आया है या ये जो है ये टोटली बोखलाट में जनता का ध्यान भटकाना। अरे भैया बोखलाट में तो आप हो कि जनता ने घर बिठा दिया आपको, घर बिठा दिया जनता ने, और मैं यही शिक्षकों ने आपको, और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ आशीष जी बात करके जा रहा हूँ, ये जो बोखलाट में आया हुआ इनका फैसला है ये कहीं पर भी लागू नहीं होने वाला है और इसके कोई परिणाम नहीं निकलने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था, ये सिर्फ और सिर्फ हो गया, मन राजी हो गया मंत्री जी का कि मैं चार महीने से कुछ नहीं कर रहा था तो आज सुर्खियों में आ गया, कहीं पर दिखाई दे नहीं रहा था, इस एक बयान की वजह से वो टीवी पे न्यूज में दिखने लग गए। इसके अलावा जुड़ने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए आज का एजेंडा में चर्चा की हमने, स्कूलों में मोबाइल बैन की तैयारी की जा रही है इसी को लेकर आज हमने चर्चा की, शिक्षा मंत्री जी से बातचीत की, शिक्षकों के प्रदेश अध्यक्ष से हमने बातचीत की और कोशिश की कि इस मुद्दे पर एक क्लेरिफिकेशन आए और एक स्पष्टता आने के साथ ही ये अगर सकारात्मक रूप में लिया जाता है, इसका इंप्लीमेंट अच्छे तरीके से हो पाए, क्या कुछ कमियां हो उनको दूर किया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने की हमने कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि ये नया प्रयोग लोगों को भाए, लोग इसको समझ पाए और शिक्षक भी इस व्यवस्था को समझें और शिक्षकों की कोई समस्या है उसको शिक्षा मंत्री समझे, पूरी व्यवस्था एक सही तरीके से हो पाए। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।